डॉट लाइन और शेप के बाद हम जिस इम्पॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का जिक्र करेंगे वो है साइज आए जानने की कोशिश करते हैं कि साइज़ दरअसल है क्या और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है दोस्तों साइज़ को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक से ज़्यादा शेप्स दो या दो से ज़्यादा शेप्स के बीच में मौजूद वेरिएशन को साइज़ कहा जाता है दोस्तों साइज़ वैसे तो आमतौर पे किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट का हुआ करता है लेकिन इसका सही अंदाज़ा हमें दरअसल उस वक्त होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं ये कंपैरिजन दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है या एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद डिफरेंट पोर्शंस का भी हो सकता है एक आम सी मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके दो दोस्त हैं एक की हाइट बहुत ज़्यादा है यानी कि वो बहुत हाइट में लंबा है और एक की हाइट जो है वो बहुत छोटी है आप डेली भी अगर उन लोगों से दोनों से मिलते हैं आपको उनकी हाइट का फ़र्क इतना मालूम नहीं होगा अगर किसी दिन वो दोनों दोस्त आपके सामने इकट्ठे खड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको अचानक अंदाज़ा होगा कि यार इन दोनों अफराद की हाइट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो मालूम ये हुआ कि साइज़ के बारे में चाहे वो किसी इंसान के जिसम का हो या वो किसी भी ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक चीज़ का हो एक्चुअली हमें उस वक्त सही अंदाज़ा होता है जब हम उन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का या उस एक चीज़ के पोर्शंस का कंपैरिजन करते हैं एक और मिसाल को देख लीजिए हमारे बॉडी पार्ट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं हेड से लेके फीट तक जिसके अंदर हमारा हेड हमारी नेक ट्रंक आर्म्स हैंड्स लेग्स और फीट वग़ैरह शामिल हैं दोस्तों अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को एज अ होल देखें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमें मालूम होगा कि हर ह्यूमन बॉडी के अंदर हेड का और उसके लिहाज से ट्रंक का और उसके लिहाज से फीट का या लेग्स का एक अपना कंपैरिजन मौजूद है एक अपनी वेरिएशन मौजूद है इसी तरह से अगर हम ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर देखने की कोशिश करें मिसाल के तौर पे आप एक ट्रायंगल को लें और ट्रायंगल की बड़े और छोटे साइज़ में डिफरेंट वेरिएशंस निकालें आप ये देखेंगे कि विद इन दैट सेम शेप शेप तो ट्रायंगल ही है लेकिन आपको उनके साइज में वाजे वेरिएशन यानी कि फ़र्क मालूम पड़ेगा तो पता ये चला कि साइज़ को जांचने के लिए कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों साइज़ ग्राफिक डिज़ाइन में करता क्या है साइज ग्राफिक डिज़ाइन में अट्रैक्शन पैदा करता है इसके अलावा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है और इसके अलावा बाजुकात किसी भी चीज़ के फंक्शन को जस्टिफाई करता है कुछ डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं कि साइज़ ये तमाम काम किस तरह से करता है दोस्तों अट्रैक्शन की बात अगर की जाए तो हमें बीइंग ह्यूमन बीइंग बहुत ऊंची और लंबी इमारतें बहुत अट्रैक्ट करती हैं इसी तरह से बाजुकात राह चलते हुए आपको कोई छोटा सा जानवर या कोई छोटा सा फूल या कोई छोटी सी पड़ी हुई चीज़ ज़मीन पे बहुत अट्रैक्ट या अपील करती है यानी कि चीज़ें जब साइज़ में बहुत बड़ी या बहुत छोटी हों तो वो आपको अट्रैक्ट करती हैं इसी तरह से अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का ग्रुप फ़ोटो खींचने की कोशिश करें तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं फोटोग्राफ़र सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता है कि कम हाइट वाले लोग आगे की तरफ आ जाएं और ज़्यादा हाइट वाले लोग पीछे की तरफ चले जाएं। बेसिकली उस वक्त फोटोग्राफर कर क्या रहा है वो साइज़ और हाइट के मुताबिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको अपनी फैमिली के लिए एक कार परचेज़ करनी है आपकी फ़ैमिली के ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो पाँच से सात लोग हैं डेफिनेटली आप जब मार्केट में जाके अपनी फ़ैमिली के लिए गाड़ी देखना शुरू करेंगे तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप वो गाड़ी खरीदें जिसका साइज इतना हो कि आप अपनी पाँच से सात लोगों की फ़ैमिली को उसमें ईजिली एकोमोडेट कर सकें तो बेसिकली एक हमारा डिसीजन गाड़ी परचेज करने का ये भी साइज़ पे डिपेंड कर रहा है या इन अदर वर्ड्स साइज़ जो है वो हमारे इस डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा है अगर प्योरली ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बात की जाए तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी साइज़ जो है वो अट्रैक्शन भी पैदा करता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल देखिए ग़ौर से कभी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन को पढ़ने की कोशिश करें आप देखेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होती है यानी कि हेड लाइन उसका साइज सबसे बड़ा होता है उसके बाद सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट होता है उसका साइज़ उससे कदरे कम होता है और उसके बाद जो डिटेल टेक्स्ट होता है यानी कि बॉडी टेक्स्ट उसका साइज़ इन दोनों से कम हुआ करता है तो दोस्तों बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर काम करते हुए हम साइज़ को बड़ा या छोटा करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से पिक्चर्स की मदद से या टेक्स्ट की मदद से अट्रैक्शन भी पैदा कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों जब हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी लेआउट या अपनी कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो हमें ये फैसला लेना होता है कि हम चीज़ों को उनके किस साइज के अंदर इस्तेमाल करें इस फैसले की बुनियाद पे हम अपने डिज़ाइन के अंदर ब्रेक भी दे सकते हैं मुख्तलफ एलिमेंट्स को फिट इन भी कर सकते हैं और इसी तरह डेप्थ या पर्सपेक्टिव भी बना सकते हैं दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को साइज के हवाले से समझ आ गई होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन शाह स्पेस के हवाले से बात करेंगे